पिछले साल की तरह इस साल भी कोटा पर आसमानी आफत अपना कहर बरपा रही है। बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिस वजह से जिले की कई कॉलोनियों के भीतर सैलाब का पानी घुस गया है। आलम यह हो चुका है कि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कोटली नगर में हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कोटा के, और यहां पर तकरीबन एक मंजिल पूरी डूब चुकी है और यहां पर राहत के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पर तकरीबन 3 से 4 फैमिली फंसी हुई है जिनको लेकर आना है। कितने लोगों को अभी तक आपने रेस्क्यू कर दिया? तकरीबन 200 से 250 के लमसम लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। यहाँ से आप उधर जाएंगे, वहाँ से भर रहा है इतना वहाँ पानी ज्यादा भर। ये देखिए कि जिस घर में ये खड़े हैं ये आधा बना हुआ है यहाँ, क्योंकि वहाँ उस जगह पर काफी मुश्किल आ रही थी। कोटा में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी सैलाब बनकर जिले में अपना कहर बरपा रहा है। दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर चुका है, जबकि लगातार दूसरे दिन देवली अरब रोड पर 3 से 4 फीट पानी भरा है, जिसने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। कोटा में लगातार दूसरे दिन भी पानी भरा हुआ है कॉलोनियों के अंदर। पहले दिन यहाँ देखिए कि यहाँ नाव पर जाना पड़ा, लेकिन अभी भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ और अंदर की कॉलोनियों के अंदर तकरीबन 8 से 10 फीट पानी है, लेकिन बाहर यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है। जिले में देवली अरब रोड से लेकर कौटिल्य नगर तक सैलाब की दहशत पसरी हुई है। कई परिवार बीच मझधार में फंसे हुए हैं, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। कितने लोग हैं टोटल? हमारे घर में भी 6 लोग हैं। 6 लोग फंसे हुए हैं? हाँ, 6 लोग फंसे हुए हैं। अगर ये चीज नौबत नहीं आती तो उनको क्या करेंगे? बाहर लाएंगे आप? बाहर कैसे ला पाएंगे? बाहर ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? फिर वहाँ पर क्या स्थिति होगी? पानी वो ऊपर की मंजिल, वहाँ पर मेरा पूरा 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। मेरी पूरी बेड वगैरह, खाने पीने का कुछ है? कुछ भी नहीं, हम लेने गए थे पानी की बोतल लेके आ रहे हैं, आप दिखाइए इसको। अभी खाने पीने का पानी भी नहीं है। देखिए राहत के लिए ये देखिए कि पानी की बोतल भी यहाँ से ले जाई जा रही है कोशिश के जरिए। अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा। कोटा के ही कोटली नगर में सैलाब की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ एक मंजिल तक पानी पहुँच चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने को एक बूंद भी पानी नहीं। तकरीबन एक मंजिल पूरी डूब चुकी है और यहाँ पर राहत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये घर की तस्वीरें देखिए, ये पूरी पहले कॉलोनी की हम तस्वीर बताना चाहूंगा कि देखिए कि दूर तक पानी पानी आपको नजर आएगा, पूरी कॉलोनी लगभग डूबी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और अब एक एक को यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं। अब यहाँ तक पहुंचे हैं, पानी आपके पूरे घर में पानी भर गया? पूरे घर में पानी भर गया। इंतजार कर रहे थे बचाव के लिए? पीने को पानी नहीं है? नहीं है पीने को पानी। ये लो, ये लो, अब देखिए आपके लिए पीने के लिए पानी लेकर आए हैं। इतनी देर से पानी नहीं था आपके पास में? कौटिल्य नगर का भी हाल देख लीजिए, यहाँ सैलाब ने घरों को चारों तरफ से घेर लिया है। कोटा शहर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हम जिन कॉलोनियों से गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर तकरीबन 10 से 12 कॉलोनियाँ हैं, ये कौटिल्य नगर से हम लोग निकले हैं। और यहाँ तस्वीरें देखिए कि यहाँ से इतना आसान नहीं है। यहाँ से जिस तरीके की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देखिए कि पूरी की पूरी कॉलोनियाँ पूरी पानी में डूबी हुई है। एक तो सैलाब का खतरा है, उस पर चंद्रसेन नदी के इलाके में मगरमच्छों का डर। लोगों को जैसे तैसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच उफनती पार्वती नदी के सैलाब से कोटा के खतौली में 2 गाय बचने के लिए छतों पर पहुंच गई। उन्हें रेस्क्यू टीम ने जेसीबी मशीन के सहारे उतारा। पानी में बहकर छत के ऊपर गाय पहुंच गई और उस आज एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अब गाय को जेसीबी के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से नीचे उतारा गया। यहाँ तक ऊपर देखिए कि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से ये देखिए कि ऊपर गाय पहुंच कर एक तस्वीर हम आप देखिए कि पीछे की बता रहा हूँ कि जहाँ से ये पार्वती नदी है, पीछे ये मंदिर है पूरा इसमें डूबा हुआ था और यहाँ तक पानी आया था। और यहाँ तक देखिए कि अब ये गाय का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक 43 साल बाद कोटा में बाढ़ का ऐसा कहर टूटा है जिसने इंसानों से लेकर पशुओं तक सबकी जिंदगी मुसीबत में डाल दी। दावा किया जा रहा है कि सैलाब में फंसे अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। डरे और सहमे लोग अब
इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लगातार हो रही बारिश पर विराम लगे, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद ही घरों से पानी निकल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नुकसान इस सैलाब की वजह से हुआ है उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी।